खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हजारों निवेशक आए थे और उन्होंने लाखों करोड़ों का निवेश किया है। लगभग सभी क्षेत्रों में निवेश आया है। इसे निवेश को धरातल पर उतारने का काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फल मिलेगा कहा और कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार देने का, नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में पूरे इवेंट से बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तीसरा दिन है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री एके शर्मा जी। सर, जिस तरीके से यह तीसरे दिन भी तमाम इन्वेस्टरों के साथ आज बैठक हुई, चर्चा हुई, एमओयू पर साइन हुए, किस तरीके? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश विदेश के हजारों निवेशक यहां आए थे और उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का निवेश हमारे तमाम क्षेत्रों में, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे शहरी नगर विकास का हो, चाहे कृषि हो, चाहे आईटी हो, चाहे वस्त्र हो, टेक्सटाइल्स हो, सभी क्षेत्रों में निवेश आया है। इस निवेश को अब धरातल पर उतारने का काम हम लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं। कल और आज विशेष रूप से मेरी उन निवेशकों से अलग अलग भी बातें मिल करके हुई हैं। उनकी सबकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि इस निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल मिलेगा, वेग मिलेगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को की बेहतरी की तरफ भी इसका बहुत बड़ा योगदान आएगा। हमारे लोगों को रोजगारी देने में, हमारे नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में इस पूरी जो हमारी इवेंट हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत साफ साफ दिखने लगे। सर, आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये जो समिट है ये सब चलाए ईस्ट इंडिया जिस तरीके से आई, और जो है तरीके से कैसे देखते हैं उनके बयान? कुछ लोगों को, जनता को गरीब रखने में, जनता को अनपढ़ रखने में, अशिक्षित रखने में मज़ा आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जनता शिक्षित हो गई, अगर जनता समृद्ध हो गई तो फिर उनके पीछे नहीं घूमेगी। हम ऐसी राजनीति में विश्वास करते हैं। माननीय मोदी जी ने बहुत पहले ये बात कही थी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, लोगों का विकास करो, क्षेत्र का विकास करो, राज्य का विकास करो, देश का विकास करो, और उसी को उन्होंने सबसे अच्छी पॉलिटिक्स कहा था। हम इस दिशा में चलने वाले लोग हैं। जो लोग लोगों की गरीबी में मजा लेते हैं उनके साथ हम सहमत नहीं हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा, जिनमें तमाम जो उद्योगपति हैं आज यहाँ पर शामिल हुए, तब विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में तो लगातार, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री, लगातार उत्तर प्रदेश को स्थित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कटाक्ष किया है और कहा कि कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं जो लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार बयानबाजी करके अपने आप को सुर्खियों में बटोर रहे हैं। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।